तो भाई लोग, ये जो टेक्सचर आप देख रहे हैं ना, ये डोरपुट टेक्सचर है। और ये जो बैग का प्राइस कितना है मालूम? ये जो बैग का प्राइस आके 850 रुपीज़ है, और मुझे क्या कि 830 रुपीज़ गिरा ये टेक्सचर। तो भाई ये टेक्सचर के बारे में आपको इस वीडियो में पूरे का पूरा जानकारी दूंगा, तो क्या जरा आप आखिर तक देखना। ये टेक्सचर की फायदे भी क्या है आप ये भी देखिए। इस दीवार के ऊपर हम करने वाले, ये है इन्फिनिटी का टेक्सचर है, और यहाँ पर देखिए ये एवर लास्टिंग लाइफ लॉन्ग रहती है, और एक ना एंटी फंगल है, और ये जो मटेरियल के ऊपर कुछ भी क्रैक्स नहीं आते। ये मटेरियल के एड्रेस भी मैंने यहाँ पर दिखा दिया हूँ, तो अभी ये मटेरियल मिलाएं। अगर आपको ये मटेरियल आपके तक मंगवाना है तो यार इस बैग के ऊपर इनका मोबाइल नंबर है, उस पर आप कॉल कर लेना। आप इंडिया में कौन से भी कोने में रहोगे ना, तो आपको ये मटेरियल आपके पास तक आ जाएगा, चार्जेस आपके पास ही कटेगा, ठीक है। ये जो देखिए मटेरियल कितना बारीक बारीक दाने दाने हैं, ये डोलपुर टेक्सचर है यार। और इसकी जो प्राइस आके 850 है, मुझे 830 में गिरा है, मतलब 20 रुपये छूट में मुझे मिला है। आप जहाँ रहते हैं वहाँ तक ये मटेरियल आ जाएगा, मगर इसकी जो चार्जेस होती है ना, जो ट्रांसपोर्ट के, वो पूरे का पूरा आपको ही पे करना पड़ेगा। आपको जितने बैग बोलते उतना बैग मिलेगा। ये टेक्सचर हम इस दीवार के ऊपर क्यों डाल रहे बोले तो, ये दीवार के ऊपर क्या ना वाटर सीजन है, और ये दीवार क्या ना बहुत बुरी तरीके से ख़राब है, और ये दीवार के ऊपर बहुत फंगल भी है। उसी के लिए हम क्या ना ये टेक्सचर यहाँ पर मेकिंग कर रहे हैं, ठीक है। इसके वजह से ये दीवार फिर ज़िंदगी में ख़राब नहीं होएगा, और कभी भी क्रैक भी नहीं आएगा इस दीवार के ऊपर। और वाटर सीजन के यार पूछो भी मत, वाटर तो फिर वापस इस दीवार के ऊपर आएगा नहीं। जो बाहर से जितना भी पानी आता है ना, वो इसके ऊपर नहीं आएगा, ये तो गारंटी के साथ दुकान वाला अपने को बता। इसको डोलपुर टेक्सचर बोलते हैं। नया है क्या ये? बहुत पुराना है। हाँ हाँ, मार क्या ना अपन अभी इसके वीडियो अभी भी बनाना शुरू करें। अपन बहुत वीडियो बनाए हैं, ये वीडियो मतलब बहुत काम आ करे, इसके वीडियो अभी अपन शुरू करें बनाने का। और ये बैग आके 850 का है, रिकॉर्ड हो रहा पूरा। हाँ, अभी जो हम टेक्सचर यहाँ पर क्रिएट करने वाले हैं ना, वो पैटर्न का नाम है के टाइगर स्टैम्प, ठीक है। टाइगर के ऊपर जैसा स्टैम्प रहता है ना, उस तरह ये टेक्सचर का नाम है। ये टाइगर स्टैम्प टेक्सचर क्रिएट करना बहुत आसानी है। देखिए जिस तरह हम अपन यहाँ पर लगा रहे ना, उसी तरह लगाना, मगर क्या ना एक डायरेक्शन में नहीं, उसके आजू बाजू में लगाना, मतलब सीधी लाइन नहीं बनना है, आधा आधा लाइन बनना है। इसी तरह अपने को पूरे के पूरे दीवार के ऊपर सेम टू सेम करना इसी तरह। तो अभी क्या ना इसके ऊपर अपने कलर डालना है। तो भाई अगर आप क्या ना यहाँ पर येलो और ब्लैक कलर डाल के देखिए, ये 100% टाइगर स्टैम्प जैसा दिखेगा। K209 ये AC है, ठीक है। एक्सटीरियल पेंट इंटीरियल टेक्सचर के लिए मेकिंग कर रहे हैं हम। क्यों बोले तो भाई ये जो डोलपुर टेक्सचर का ना एक्सटीरियल का बिलोंग करता है, तो इसके ऊपर जो पेंट डालते हैं ना एक्सटीरियल का डालना चाहिए, इंटीरियल का बिल्कुल नहीं डालना। क्यों बोले तो यार आपको क्या ना कलर पूरा शेड शेड बनता है अगर आप इंटीरियल का पेंट इस टेक्सचर के ऊपर डाले तो। अभी ये कंप्लीट हो गया, इसके ऊपर जो मैं गोल्ड डाल रहा हूँ ना, ये रॉयल गोल्ड है, ये इंटीरियल का है। तो भाई अभी तक ना आपने बोला है एक्सटीरियल पेंट के ऊपर इंटीरियल नहीं डाल सकते बोल के, अभी आप कैसे डाल रहे बोल के पूछेंगे। तो भाई हमने क्या ना एक कोट पूरा इसके ऊपर पेंट चढ़ा दिया, वो अच्छी तरह सूख गया। अभी इसके ऊपर जो अपन टॉप कोट अप्लाई कर रहे हैं ना, कुछ भी डाल सकते यार, ठीक है। तो उसी के लिए हम क्या ना रॉयल गोल्ड इंटीरियल का डाल रहे हैं, ताकि इसके ऊपर एक अलग इफेक्ट आया जैसा, मतलब ये गोल्ड क्या ना यार बिल्कुल अच्छी इफेक्ट आती है। यहाँ पर हमने ब्राउन डाले, ब्राउन के ऊपर गोल्ड शेड देंगे ना यार, एकदम मस्त दिखेगा। जैसा लाइट गिरेगा ना वहाँ पर और चमक दिखेगा ये, ठीक है। ये जो टेक्सचर की खासियत ही है, ऐसी दिखने में मस्त दिखती है ये टाइगर स्टैम्प वाला टेक्सचर। और ये टेक्सचर मेकिंग करने में आपको कुछ भी जेंट नहीं आता, ये रॉयल ब्ले थोड़ी है जेंट आने के लिए, ठीक है। अभी रॉयल ब्ले किस तरह करना चाहे बिना जोड़ का, वो भी वीडियो जल्दी आने वाला है, देख लेना, ठीक है। तो भाई ये जो टेक्सचर का ना पूरा कंप्लीट हो गया। जहाँ पर लाइट गिर रहा है ना, देखो वहाँ पर कितनी डार्क गोल्ड दिख रहा है, जहाँ पर लाइट नहीं गिर रहा है वहाँ पर क्या ना डार्क ब्राउन दिखेगा, ठीक है। ये जो गोल्ड कॉम्बिनेशन का पैटर्न यार बनते ही मस्त बनते, एकदम चकास दिखते दीवार के ऊपर दिखने में। और यहाँ पर क्या ना हम ये टेक्सचर किस लिए डाले बोले तो, यहाँ पर ऊपर कोने में क्या ना वाटर का फंगस आ गया था, ठीक है। तो यार ये टेक्सचर क्या ना एंटी फंगस का है, ठीक है। ये बैग के ऊपर ऑलरेडी लिखा हुआ है एंटी फंगस बोल के, ठीक है। और इसी के लिए हम यहाँ पर डाले, ठीक है। इस दीवार के ऊपर फिर बिल्कुल ज़िंदगी में क्रैक नहीं आएगा और फंगल भी नहीं आएगा, ठीक है। इतना बड़ा मोटा क्रैक है, हमने पहले पाड़े वो भी लगा दिए। तो भाई ये जो बैग आप परचेस करना चाहे तो भाई वीडियो को स्टार्टिंग में थोड़ा सा पास करके देख लेना, उनका कॉन्टैक्ट नंबर बैग के ऊपर ही, एक बार कॉल कर लेना।
आप तक बैग आ जाएगा, उसका कोई चिंता नहीं। हमारे कहना ये जो एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं ना बैग मतलब ट्रांसपोर्ट के, वो पूरा आपको पे करना पड़ेगा। आप हिंदुस्तान में कौन से भी कोने में रहो आप तक बैग आ जाएगा। और भाई वीडियो पसंद है तो एक लाइक मार देना।